आज हम एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं, आपके सामने ला रहे हैं, जो बेहद संगीन है, जो 70 साल से इस देश को दीमक की तरह चाट रहा है और उसमें जो नए परिवर्तन हुए हैं, उस दीमक की क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो कितना ख़तरनाक हो गया है भ्रष्टाचार, और ख़ास करके उसका सबसे अग्रणी राज्य बिहार। कभी कभी घटनाएं देख के आपको समझ में आएगा कि कितना भ्रष्टाचार का बोलबाला उस राज्य में है कि अब वहाँ के लोग ये मान चुके हैं कि ये जाता नहीं। अब हाल के दो किस्से देखिए। एक अजीब घटना हुई गोपालगंज में। वहाँ पे जल संसाधन मंत्रालय या डिपार्टमेंट का चीफ इंजीनियर बैठता है। उसके घर पे एक ठेकेदार आया, करीब 1 करोड़ का बकाया उसको लेना था, तगादा करने आया होगा। चीफ इंजीनियर के यहाँ जो बात हुई, उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया और वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा। बाहर जाके उसने, चूँकि वो कॉलोनी सरकारी थी तो उसमें बाकी लोग भी उस महकमे के थे, अन्य महकमे के भी थे, वो लोग इकट्ठा हुए क्योंकि आग धू-धू जल रही थी उसके शरीर से। तो उसने बताया कि चीफ इंजीनियर साहब हमसे 25 लाख रुपया घूस और मांग रहे थे। बहरहाल वहाँ पे आसपास मेडिकल कॉलेज नहीं, 122 किलोमीटर दूर यूपी के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज उसको लाया जा रहा था, रास्ते में वो मर गया। बहरहाल उसका ये स्टेटमेंट है। अब ज़रा आप गौर कीजिए, कैसे एक चीफ इंजीनियर के ऑफिशियल रेजिडेंस पे एक ठेकेदार प्रवेश करता है, कैसे वहाँ पे पुलिस को पेट्रोल के कैंस मिले, कैसे वहाँ पे क्या बात हुई कि पेट्रोल डाल के उस पर आग लगा दिया गया। और पेट्रोल जब डाला जाता है तो एक आदमी पे नहीं डाल सकता, आमतौर पे 2-3 आदमी उसको कंट्रोल करने के लिए रहते हैं। 2-3 आदमियों ने उसको पकड़ा था और उसको फिर माचिस लगाई गई होगी, और ये चीफ इंजीनियर के ऑफिशियल रेजिडेंस पे हो रहा है। पेट्रोल कहाँ से आया, माचिस कहाँ से आई, ये कुकृत्य करने की, इतना बड़ा कुकृत्य एक चीफ इंजीनियर अगर करता है, जिसने कि कम से कम अपने पढ़ाई के दौरान E=mc² का फॉर्मूला आइंस्टीन का देखा होगा, कम से कम न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, उसके बाद अपराध का ये उसका मिजाज, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो करप्शन है बिहार में वो बिल्कुल अलग है। अब इस इंजीनियर कि एक और वीडियो प्रसारित हुआ, ये वीडियो तो छोड़िए, एक और वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें कि उसके बेटे ने बताया किस तरह से इसी चीफ इंजीनियर का जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उससे बैठा बैठा कुर्सी पे पैसे की बात कर रहा था। तस्दीक हो जाती है, इंजीनियर ने कैसे ठेकेदार को मारा होगा। एक और किस्सा देखिए, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, वहाँ पे एक आदमी 3 सरकारी महकमों में नौकरी कर रहा था और 31 साल से कर रहा था। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था किस्सा, 3 साल से इस सिस्टम ने उसका संज्ञान नहीं लिया और वो न केवल तनख्वाह पाता रहा बल्कि प्रमोशन पाता रहा, और कुछ साल में जब रिटायर होता तो पेंशन भी मिलता। ये है बिहार का सड़ा हुआ सिस्टम। कैसे 2 जिलों में, जिसकी दूरी कम से कम अक्सर 100-200 किलोमीटर तो होगी ही, एक ही जगह एक आदमी उपस्थित रह सकता है। शायद भगवान में ही ये सलाहियत हो, सर्वव्यापी वही हैं, लेकिन ये व्यक्ति भी सर्वव्यापी था, एक जगह 3-3 पदों पे काम करते हुए लगातार मौजूद रहा, तनख्वाह लेता रहा, सिस्टम ने कभी संज्ञान नहीं लिया।
ये दूसरा किस्सा है। तीसरा, बिहार से ही निकला झारखंड है। झारखंड में अभी 3 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री एक नहर का उद्घाटन करने गए जो 42 साल से बन रही थी या लंबित पड़ी थी। जाहिर है चुनाव हैं, लिहाजा जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। नहर का उद्घाटन किया, उन्होंने बड़ी बुलंदी से, पूरे मीडिया ने कवर किया, जब मुख्यमंत्री ने कहा ये नहर, इसका पानी झारखंड की खेती को बदल देगा, किसानों के भाग्य को बदल देगा, ये कह के ताली बजवाई, वापस आए फीता काटने के बाद। 8 घंटे भी नहीं हुए कि ब्रिज में उस नहर में दरार पड़ गई, ब्रिज हो गया, और दरार पड़ने के बाद सैकड़ों गांव उसके पानी से जलमग्न हो गए, फसलें बर्बाद हो गई। इतना कोई ख़ास बात नहीं है, इतना हम मान सकते हैं कि भारत में करप्शन इस तरह का होता है कि नहरें इसी तरह बनती हैं। लेकिन उसके बाद मंत्री का जवाब सुनिए। मंत्री ने कहा चूहों ने नीचे से मट्टी काट दी थी, इसलिए वो दरार पड़ गई और पानी निकल गया। वैसे इसकी हम जांच करवा रहे हैं, यहाँ हर मंत्री जांच जरूर करवाता है और ये कहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहरहाल अब की बार भी चूहे दोषी निकले। अभी कुछ दिन पहले, 3-4 महीना हुआ शायद, मार्च की घटना है, आयुष्मान योजना में लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाने गए। एक दिन गए, ऑफिस बंद था, दूसरे दिन गए, ऑफिस बंद था, तीसरे दिन गए, फिर ऑफिस बंद रहा, चौथे दिन एक व्यक्ति नज़र आया, उसने ऑफिस खोला, सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई थी। जब वो अंदर गया, लोगों ने कहा अरे भाई कहाँ थे आप, ऑफिस क्यों नहीं खोलते हैं वगैरह वगैरह, तो उसने बाहर लौट के जवाब दिया कुछ काम नहीं हो सकता, चूहों ने तार काट दिया है, शासन को पत्र भेज दिया गया है। फिर वही चूहे जो बांध काटते हैं कमबख्त, वही चूहे यहाँ भी, ये चूहे बिहार में बहुत करप्शन कर रहे हैं। एक और किस्सा लीजिए, बिहार में शराबबंदी है, बहुत कड़े कानून हैं। पता लगा कि कुछ ट्रक शराब थानों में जब पकड़ी गई तो उस समय जो दर्ज था उसमें हजारों पाउचेस थी। कुछ दिन बाद पता लगा कि पाउच तो खुले हैं, शराब गायब है। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, साहब ये सारी शराब चूहे पी गए हैं, चूहों ने कुतर के शराब पी ली है। बताइए, चूहे करप्ट ही नहीं है, नहर नहीं खोद देते हैं हमारी ऑफिस के कंप्यूटर का, क्योंकि उनको हमारे स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा कंप्यूटर काट देते हैं। यही चूहे अब की बार फिर निकले, शराब पी जा रहे हैं। हो सकता है इसका इंटरप्रिटेशन वहाँ की सत्ता भाजपा ये कहे कि साहब ये तो शंकर भगवान ने गरल पिया था, विष पिया था दुनिया को बचाने के लिए, ये शंकर भगवान की तरह चाहते हैं कि शराब कोई और ना पिए, इसलिए उन्होंने अपने गले उतार लिया ताकि किसी के हाथ ना लगने पाए। हो सकता है चूहों को पद्मश्री दी जाए इस बात के लिए कि उन्होंने तो शंकर भगवान का काम किया, दुनिया को बचाने के लिए अगर गरल वो पी सकते हैं तो बिहार के चूहे कम से कम शराब तो पी ही सकते हैं ताकि लोग ना पिए। पर एक गलती हुई, मैकॉले ने जब ये बनाया था भारत के लिए इंडियन पीनल कोड, तो सेक्शन 2 में उन्होंने व्यक्ति को दोषी माना। जाहिर है 150 साल पहले उनको ये इल्हाम नहीं होगा कि भारत में दोषी चूहे आदमी नहीं चूहे होते हैं, वरना उसको भी डाल देते। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यही गलती की, ये तो 70 साल पहले की बात है, उनको भारत की समझ थी, पर उन्होंने भी वही गलती कर दी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये उन्होंने लिख दिया, चूहे वहाँ भी नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि चूहे भारत का संविधान नहीं मानते, मैकॉले का इंडियन पीनल कोड नहीं मानते, और वो शराब पीते हैं, हमारी बांध बनती है भाग्य बनाने के लिए किसानों का, उसको वो नीचे से काट देते हैं, कंप्यूटर का तार काट देते हैं। अब बिहार में भ्रष्टाचार, ये सड़ता हुआ गवर्नेंस क्यों आपको नज़र आ रहा है, और क्या वजह है कि गोपालगंज में जब इंजीनियर ने ठेकेदार को पेट्रोल डाल के आग लगा दिया, इसका डायमेंशन क्या है?
दुनिया के स्कॉलर्स जो करप्शन के बारे में पढ़ते समझते हैं, उनका मानना है कि दो तरह के करप्शन होते हैं, कोएर्सिव एंड कोल्यूसिव। प्रिमिटिव सोसाइटी में जहां स्टेट का बहुत ही दबाव रहता है, समाज रिएक्ट नहीं करता, उसमें कोएर्सिव फॉर्म ऑफ करप्शन चलता है, जिसमें कि कोएर्स करते हैं आप, दबाव डालते हैं समाज पे और भयादोहन करते हैं। पुलिस वाला किसी शाम को मजदूर जा रहा है, उससे 10 रुपये ले लेगा ये दिखा के कि नहीं तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, किसी अपराधी को 302 में बंद करने की धमकी दे के पैसा ऐंठ सकता है। ये कोएर्सिव फॉर्म ऑफ करप्शन है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि अधिकारी एक अच्छा आ जाए तो इसे बदला जा सकता है, लेकिन 1970 के बाद जब प्रजातंत्र 20 साल का मैच्योर हो गया तो नेताओं ने देखा कि बजट में बहुत फंड डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, लिहाजा एक नया सिलसिला शुरू किया, नेता इंजीनियर और ठेकेदार, इसका एक नेक्सस बना, इसको कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन कहते हैं। इन दोनों में समझौता तीनों में ये हुआ कि पुल में एक एक का मसाला नहीं लगेगा, एक छः का लगेगा, पुल तो खड़ा हो ही जाएगा, एक छः के मसाले पे भी खड़ा हो जाता है, और ये पुल 30 साल बाद गिरेगा और तब इंडिविजुअल कोई विक्टिम नहीं होगा, समाज के 10-20-50 आदमी मर जाएंगे, एक इंक्वायरी बैठेगी, लेकिन तब तक ये ठेकेदार MP बन चुका होगा, जनप्रतिनिधि हो गया होगा, ये इंजीनियर इन चीफ बन गया होगा, और यही जो जनप्रतिनिधि था ये अब मंत्री होगा, तो जब पुल गिरेगा तो वो अगेन यही कहेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा और एक इंक्वायरी कमेटी बैठा देगा। ये जो कोएर्सिव फॉर्म ऑफ कोल्यूसिव फॉर्म ऑफ करप्शन है ये भारत से जा नहीं पा रहा है। लेकिन जो गोपालगंज की घटना है ये बिल्कुल नया डायमेंशन है, इसमें कोल्यूसिव और कोएर्सिव दोनों का ब्लेंड है। आपने अभी तक सुना होगा कि गुंडे ठेकेदार ने इंजीनियर को मार दिया, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि इंजीनियर के गुंडों ने ठेकेदार को मारा और इंजीनियर के घर में मारा, वो भी सरकारी घर में मारा। इंजीनियर और उसके लोगों ने एक ठेकेदार को आग लगा दिया, तो ये नया डायमेंशन है और मुझे लगता है कि विश्व के नूनन फ्रेडरिक फोरसिथ, माफ कीजिएगा, एल्विन टॉफलर, इन सबों के लिए या जो स्कॉलर हैं करप्शन के बारे में स्टडी करते हैं उनके लिए एक नया चैप्टर बिहार के गोपालगंज की घटना ने जोड़ा है, जिसका सीधा मतलब है कि अब हमें एक नए किस्म के करप्शन से लड़ना होगा, जिसमें कोल्यूसिव और कोएर्सिव दोनों फॉर्म के करप्शन एक साथ होंगे और दर ठेकेदार को होगा, इंजीनियर को नहीं होगा, नेताजी को नहीं होगा, क्योंकि उनके पास तो गुंडे हैं, ठेकेदार बेचारा कमजोर है। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।